हाय एवरीवन, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामा के हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम जीशी है और ये जियोलॉजी की डॉक्टर है। और अभी जीशी अपनी टीम के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आई होती है। फिर ये सभी यहाँ पर फोटो लेने का सोचते हैं, तभी एक बंदा जीशी से कहता है कि आप तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस सुजीन की तरह दिखती हो, और वो इसे उसका फोटो भी दिखाता है। फिर रात हो जाती है और जीशी अपनी टीम के साथ यहीं पर टेंट डालकर रुकी होती है। फिर जीशी अपने फोन में देखती है कि उसे उसकी बहन का ईमेल आया है। जीशी की बहन सुजीन उसे कह रही होती है कि मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ और मैं काफ़ी बिजी थी तो हमने इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं करे, और वैसे आजकल मैं कुछ प्रॉब्लम में फंस गई हूँ तो इसलिए मैं अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए बाहर जा रही हूँ, आप मेरी फिक्र मत करना। अब ये ईमेल पढ़ने के बाद जीशी अपनी बहन सुजीन को कॉल करने लगती है। तभी जीशी को रिंगटोन की आवाज़ बाहर ही से आ रही होती है, तो अपना टेंट खोलती है और सामने दो लोग खड़े होते हैं और वो इससे पूछते हैं कि क्या आप डॉक्टर जीशी हैं। जीशी कहती है कि हाँ, तो वो लोग इसे किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद हमें इस कहानी के हीरो को दिखाया जाता है। इसका नाम मूशू है और ये एक माइनिंग कंपनी का सीईओ है। वो अपने कंपनी में आते ही पूरे ऑफिस की क्लीनिंग वगैरह चेक कर रहा होता है और वो अपने ऑफिस में बहुत ही गुस्से में बैठा होता है। अब तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम अब्रॉड से आने के बाद इतने गुस्से में क्यों हो। तो मूशू इसे बताता है कि मुझे उस फीमेल डॉक्टर पर गुस्सा आ रहा है, मैंने उसके लिए 2 घंटा वेट किया पर वो मुझसे मिलने आई नहीं। तो लिंक कहता है कि तुम जैसा इंसान किसी के लिए 2 घंटा भी वेट कर सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मूशू कहता है कि लगता है तुम्हारी सैलरी काटनी पड़ेगी। तो लिंक कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो फीमेल डॉक्टर की गलती थी, उसने तुम्हें इतना वेट कराई। अब हम देखते हैं कि जीशी को होश आता है और वो इन दोनों से कहती है कि तुम लोग कौन हो। तो ये इसे बताता है कि मेरा नाम फांग है और मैं आपकी बहन सुजिंग का एजेंट हूँ। और वो इसे भरोसा दिखाने के लिए इसकी बहन का आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता है और साथ ही साथ अपनी आईडी भी। फिर ये देखने के बाद जीशी से कहती है कि लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो फांगी से बताता है कि आपकी बहन सुजिन कहीं गायब हो गई है और हमने उसे कितना ढूंढा पर हम उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर उसका ये वीडियो देखकर हमें लगता है कि वो जहाँ पर भी है सेफ है। सुजिन उस वीडियो में कहती है कि मैं बस अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहीं पर जा रही हूँ और जब मैं वापस अच्छा फील करूँगी तो मैं वापस आ जाऊँगी। फिर जीशी सोचती है कि यानी इसीलिए उसने मुझे ईमेल भेजी थी। फिर फांगी से पूछता है कि क्या आप दोनों की बातें नहीं होती है। तो जीशी इसे बताती है कि हम दोनों बचपन में ही अलग हो गए थे, हम में से एक डैड के साथ थी और एक मॉम के साथ, और सुजिन से मिले हुए मुझे कई साल हो गए हैं। फिर फांगी से कहता है कि फिर तो वो आप ही हो जो हमारी हेल्प कर सकती हो, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए अपनी बहन सुजिन की जगह ले लो। इस बात के लिए जीशी नहीं मान रही होती है तो फांगी से मनाने लग जाता है कि जब तक वो नहीं आ जाती प्लीज आप उसकी जगह ले लो, क्योंकि एक्चुअल में सुजिन ने बहुत सारी टीवी शोज और मूवीज के लिए साइन करी थी और अगर अभी हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे उसके बदले में बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे। तो जीशी कहती है कि तुम मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं पैसे भर दूंगी। तो फांगी से बताता है कि 10 मिलियन, और अगर अभी आप 8 घंटे में फर्स्ट एक्टिविटी के लिए नहीं पहुंची तो 3 मिलियन तो अभी भरने पड़ेंगे। फिर जीशी मान जाती है और फांगी से पूरा रेडी करवाता है और इसे सुजिंग की तरह बना देता है। फिर जीशी तैयार होकर नीचे आती है और फांग को इसका जिप चढ़ाने के लिए कहती है, पर वो जिप टूट जाता है तो जीशी से इसका कोट मांगती है। फिर वो अपने इवेंट के लिए पहुंच जाती है और वो कार से निकलते ही सारे रिपोर्टर्स और अपने फैंस वगैरह को देखकर बहुत ही डर रही होती है कि अब मैं कैसे बिहेव करूंगी। तभी वो फांग की बताई हुई सारी चीजें याद करती है कि उसकी बहन कैसे चलती है और उसका क्या स्टाइल होता है, और फिर वो वैसे ही अच्छे से एक्टिंग करने लग जाती है और फांग से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तभी वहां से मूशू जा रहा होता है और वो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है, और क्योंकि मूशू जीशी के जियोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ बात कर रहा होता है तो उसकी बातें सुनने लग जाती है कि कितना नॉलेजेबल है। और मूशू कॉल पर कह रहा होता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस आर्टिकल को किसी फीमेल डॉक्टर ने लिखी है। अब ये सुनकर जीशी को गुस्सा आता है और वो खुद से कहने लग जाती है कि फीमेल डॉक्टर है तो क्या हुआ। तभी मूशू इसकी आवाज़ सुन लेता है और इसे कहता है कि दूसरों को कॉल पे बात करते हुए नहीं सुनना चाहिए, और जीशी अपना फेस छुपा के इसे कहती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनना भी नहीं चाहती थी, तुम जैसे लोग जो जेंडर बायस करते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मूशू कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो। तो जीशी अपना मुंह छुपाते हुए जाने लग जाती है और मूशू इसे कहता है कि देखो मैं वुमेन्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, पर जीशी इसे कहती है कि नहीं मैंने साफ सुनी हूँ, मुझे लगता है कि औरतें आदमियों से कम होती है। ये बोलकर जीशी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो जल्दी से फांग के पास पहुँचती है और फिर फांग इसे इवेंट पे जाने के लिए कहता है और फांग इसे बताता है कि तुम्हें सबसे पहले वाली टेबल पे बैठना है और वहाँ पर जो आंटी और अंकल्स बैठे हैं तुम्हें उन्हें हेलो कहना है और ज्यादा बात मत करना नहीं तो सभी को पता लग जाएगा। तभी यहाँ पर मूशू आ जाता है और वो जीशी से उसका हाथ मांगता है और यहाँ फांग उसे बताता है कि अपना हाथ उसे दे दो। फिर मूशू जीशी को लेकर स्टेज पर आता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है और जीशी बिल्कुल भी डांस नहीं कर पा रही होती है और वो सोचती है कि ऐसे तो मेरी पोल खुल जाएगी। फिर वो जल्दी से जाकर गाना चेंज करने के लिए कहती है और मूशू इसकी हरकतें देखकर सोच रहा होता है कि ये क्या कर रही है, क्या ये पागल हो गई है। फिर जीशी अपनी सैंडल्स उतारती है और फिर वो स्टेज पर जाकर अपना डांस दिखाती है और सभी लोग को जीशी का डांस पसंद आता है और उसके लिए तालियां बजाते हैं। तभी मूशू देख लेता है कि जीशी की जिप नहीं है तो जल्दी से उसे अपने नजदीक कर लेता है। इसके बाद जीशी गुस्से में अपना ड्रेस चेंज
चेंज करने के लिए जाती है और फांगी से कह रहा होता है कि प्लीज गुस्सा मत हो। तो जीशी से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि वो कौन था। फांगी से बताता है कि वो सुजिन का बॉयफ्रेंड मुशियु है। तो जीशी से कहती है कि आखिर सुजिन उसके साथ कब से डेट कर रही है और तुमने मुझे इस बारे में कार में क्यों नहीं बताया था। तो फांग कहता है कि मैं भूल गया था और फिर वो उसे मुशी के बारे में बताने लग जाता है कि वो माइनिंग कंपनी का सीईओ है और 30 साल का है और सुजिन और वो 3 साल पहले डिनर पार्टी में मिले थे और फिर कुछ महीने पहले से इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। फिर जीशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर सुजिन को इस लड़के में क्या पसंद आया। फिर जीशी अपना ड्रेस चेंज करके वापस पार्टी में आ जाती है और मुशी को इसकी बिहेवियर पर कुछ शक हो जाता है और फिर वो अपनी बहन के पास आता है और उसे कहता है कि आज मुझे सुजिन पूरी अलग लग रही है। तो श्यामाने से कहती है कि भाई आप ज्यादा मत सोचो, ये लो रिंग पकड़ो और जाकर बाकी का इवेंट पूरा करो। और यहाँ पर जीशी फांग से गुस्से में पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो फांगी से कहता है कि तुम इतनी जल्दी में चली गई थी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। एक्चुअल में सुजिन मुशियु के साथ फेक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में है और तुम दोनों के बीच में कुछ भी रियल नहीं है, बस स्क्रिप्ट है। और आज स्क्रिप्ट के हिसाब से मुशियु तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा और तुम्हें उसे जवाब में यस कहना है। अब ये सब सुनके तो जीशी पूरी शॉक हो जाती है और फिर मुशियु सभी के सामने बहुत सारी रोमांटिक लाइन्स सुनाता है और वो जीशी को शादी के लिए प्रपोज करता है और सभी लोग जीशी को चीयर कर रहे होते हैं कि वो हाँ कहे। फांग भी इसे खड़ा कर देता है कि हाँ बोलो और जीशी सोचने लगती है कि आखिर सुजिन ऐसे लड़के से शादी करने के लिए कैसे रेडी हो सकती है जो कि फीमेल डॉक्टर्स के बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी सारी चीजें सोचते हुए जीशी जोर से कहती है कि नो। सभी जीशी की आवाज सुनकर तो चुप हो जाते हैं और जीशी से कहती है कि सॉरी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, ये बोलकर वो इवेंट छोड़कर चली जाती है और बेचारा मुशियु रिंग पकड़ा ऐसे बैठा रह जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद वो अपनी बहन और लिंग से कहता है कि आखिर सुजिन ने ऐसा क्यों करी, आखिर उसे आज क्या हो गया था, उसने स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं करी और तुम दोनों ने कहा था कि सब कुछ ठीक जाएगा। तो श्यामन इसे कहती है कि भाई कल आप उसे सॉरी कहने के लिए कहना कि आखिर उसने ऐसा क्यों करी थी। तो मुशियु किस्से में कहता है कि ठीक है मैं उससे कल ही निपटूंगा। दूसरी तरफ फांग जीशी को सुजिन के घर पे ले आता है और उसे बताता है कि आज जो तुमने शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट करी हो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है और अब हमें बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे। देखो अभी बस कॉन्ट्रैक्ट का बस एक ही महीना बचा है और अभी हमें मुशियु की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट का पैसा भर सके। जीशी से कहती है कि तुम यहां से जाओ, मैं इस बारे में अच्छे से सोचूंगी और फिर तुम्हें जवाब दूंगी। फिर हम देखते हैं कि जीशी अपने बहन सुजिन के बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह देखती है और वो सोचने लग जाती है कि बचपन से इसका जियोलॉजिस्ट बनने का सपना था और इसकी बहन का एक्टर बनने का। फिर सुजिन सोच लेती है कि मैं अपनी बहन की मेहनत इतनी आसानी से खराब नहीं होने दूंगी और वो फांग को कॉल करके कहती है कि मैं कल बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाली हूं। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मुशियु कार में बैठकर काम कर रहा होता है और लिंगी से कह रहा होता है कि आखिर तुम कंपनी के अंदर क्यों नहीं चल रहे हो। तो मुशियु से कहता है कि कल पार्टी में जो मेरी बेइज्जती हुई है इसलिए मैं कंपनी में आप सभी को फेस नहीं कर पाऊंगा। तो लिंगी से कहता है कि अगर सुजिन तुमसे माफी मांगे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे। तो ये कहता है कि इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं, वो नील डाउन होकर माफी मांगेगी तभी मैं उसे माफ करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जीशी सभी के सामने नील डाउन होकर मुशियु को प्रपोज करती है और वो तो इतना शौक होता है। जीशी जल्दी से उसका हाथ लेकर रिंग पहना देती है और उसे हक करते हुए कहती है कि हाँ कहो नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। इसके बाद जीशी मुशियु के ऑफिस में आती है और वो इसे कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, कल तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दी थी और आज अचानक से प्रपोज कर रही हो। कल जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ी थी मैं उसके बारे में भूला नहीं हूँ और हाँ तुमने मुझे बिना बताए अपने हेयर स्टाइल क्यों चेंज करी और कल तुमने डांस का स्टाइल क्यों चेंज करी थी और तुम अचानक से इतनी फैट और तुम्हारे हाथ इतने कड़क कैसे हो गए। तो जीशी से कहती है कि मेरे हेयर स्टाइल में क्या तुम्हें पूछ कर चेंज करूंगी और मैं वो पुराने वाले डांस स्टाइल से बोर हो गई थी तो मैंने डांस स्टाइल चेंज कर दी और मुझे लगता है कि मैं अभी जैसी भी दिख रही हूँ मैं ब्यूटीफुल हूँ और इन छुट्टियों में मैं घर बैठकर बोर हो गई थी तो क्या मैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए नहीं जा सकती हूँ। तो मुशियु से कहता है कि लेकिन अचानक से तुम में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं जिससे मेरी लाइफ को इफेक्ट हो रहा है इसलिए तुम्हें मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा नहीं तो मैं हम दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को इसी वक्त खत्म करवाऊंगा। तो जीशी इसका फोन ले लेती है और इसे कहती है कि मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म होकर दिखाना चाहती थी क्योंकि मेरे फैंस वगैरह भी चाहते हैं कि मैं थोड़ी चेंज हो जाऊँ इसलिए मैंने जानबूझ के कल तुम्हें रिजेक्ट करी थी ताकि मैं आज तुम्हें प्रपोज करके अपने फैंस लोगों को सरप्राइज दूँ कि मैं अब काफी चेंज हो चुकी हूँ और देखो आज जो मैंने करी हूँ उसमें तुम्हें भी फायदा हुआ है। कल मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी की स्टॉक प्राइस कम होने लगी थी और आज मेरी वजह से तुम्हारी स्टॉक प्राइस बढ़नी भी लगी है जो कि तुम्हारी सेल्स का हाईएस्ट रेट है। तो बताओ क्या तुम इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो मुशियु से कहता है कि अगली बार से मैं नहीं चाहूंगा कि तुम कोई भी रूल तोड़ो तो जो एक महीने का टाइम बचा है उसमें तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी तभी हम लोग एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे। तो जीशी बहुत ही खुश जाती है और इसे कहती है कि यानी तुम मेरे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर रहे हो है ना और फिर वो इसे बाय बोलकर चली जाती है और फिर मुशियु इसके बारे में सोचना कहता है कि इसने मुझे जो भी बोली थी वो सच था या फिर मुझे सिर्फ फूल बना रही थी। फिर वो ऑनलाइन देखते हैं कि इन लोग के प्रपोजल वाला वीडियो वायरल हो चुका होता है, सभी लोग बहुत ही अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं।
ये देखकर मोशी स्माइल करने लग जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।